अगली सुबह जब अनुष्का नींद से जागी तो वो पूरी तरह ठीक थी। उसे अपनी बीती रात के सारे डरावने अनुभव, वो डरावने सपने कुछ भी याद नहीं थे। अब तो ठीक है ये। उफ़, ये कल का दिन, वो अजीब सा कुत्ता और उसका वो बॉक्स। फिर अनुष्का को आयु किचन में मिला, जो अब भी थोड़ा सहमा हुआ था। अरे मम्मा, आप ठीक हो गई? आपको चोट लगी थी ना, और फीवर भी था। हाँ मम्मा, ठीक हो गई। अरे बस थोड़ी सी ही चोट थी वो, और अब मम्मा आयु के लिए पास्ता बनाएगी। यिप्पी! ये क्या? अरे ये तो कोई डॉगी है, ये कहाँ से बोल रहा है? अनुष्का घर में ढूंढने लगी कि ये आवाजें आ कहाँ से रही हैं? फिर कोई पप्पी घर ले आए तुम, मम्मा ने मना किया था ना। पर मम्मा, मैं तो बाहर गया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बोल कहाँ से रहा है? सब तो देख लिया। सब कहाँ मम्मा, आपने बेसमेंट तो देखा ही नहीं। पिछले दिन यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। अनुष्का का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि जो ही उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला था, कुत्ते की वो ककियाने की आवाज आनी बंद हो चुकी थी। एक तो ये कबाड़ बेसमेंट, और यहाँ की ये बदबू, इसे भी साफ कराना होगा एक दिन। अरे ये खाली कैसे है? शैडो की बॉडी कहाँ गई? वो यही है। मम्मा, मम्मा, ये कितना स्कैरी है। ये खड़ा कैसे हो गया? ये तो मर। और तभी शैडो फर्श पर गिर पड़ा। वैसे भी वो बहुत कमजोर लग रहा था। उसका वो गला हुआ शरीर, उभरी हुई हड्डियां और बाहर झांकते अंदरूनी अंग, पता नहीं वो जिंदा कैसे था। आयु, चलो जल्दी चलो, निकलो यहाँ से अभी। अनुष्का ने बाहर आकर बेसमेंट का दरवाजा बाहर से पूरी मजबूती से बंद कर दिया था और अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त हो गई। मगर उसका दिमाग अब भी शैडो में उलझा रहा। कोई मरकट जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से उसे मरा हुआ देखा था कल, फिर वो खड़ा कैसे हो गया? दोपहर हो गई, आयु खाना खाके सो गया, लेकिन अनुष्का के दिमाग में वही उधेड़ बुन जारी थी। यार, कहीं वो जिंदा तो नहीं था? मुझसे समझने में कोई गलती हुई हो तो? और मैंने उसे वही बेसमेंट में छोड़ दिया है। बेचारा बेजुबान जानवर, वो तो कुछ बता भी नहीं सकता। अनुष्का से रहा नहीं गया, वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर की बेटी थी। बचपन से ही जानवरों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। कुछ देर देखती हूँ वो रिएक्ट कैसे करता है, फिर सोचूंगी। ये तो शांत लग रहा है, वैसे भी इसकी हालत ठीक नहीं। ये क्या किसी पर अटैक करेगा? इसे ऊपर ले चलती हूँ। हालांकि वो कमजोर था, बावजूद इसके बहुत भारी भी था, अनुष्का को उसे ऊपर लाने में बहुत मेहनत लगी। और फिर अनुष्का पूरी सावधानी से उसके खस्ता हाल शरीर की साफ सफाई करने लगी। अनुष्का ने बचपन से ही पालतू जानवरों की देखभाल की थी, तो उसे इन सब का तजुर्बा भी था। फिर उसे साफ करने के बाद अनुष्का ने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी भी की। उसने उसके लिए एक बड़ी सी टोकरी और कई पुराने कंबलों को मिलाकर एक बिस्तर तैयार कर दिया था। चल चल, उठ जा शैडो, शैडो, गुड बाय। शाम को जब आयु उठा तो शैडो को देखकर कुछ खास खुश नहीं हुआ। यू मम्मा, ये कितना गंदा है। ऐसे नहीं बोलते आयु, वो तुम्हारे दादाजी का डॉगी है और अभी बेचारा बीमार है,
जल्दी ठीक हो जाएगा। और देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। अनुष्का उस जगह को रहने लायक बना रही थी। उसके ससुर कर्नल सुनील बजाज का अच्छा रुतबा था वहां, तो लोग भी उसकी मदद करते थे। मम्मा, ये तो दिन भर सोते ही रहते हैं। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसे आराम की जरूरत है। मम्मा, मैं खेलने जाऊं? ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा प्लीज। नहीं, अभी नहीं, और अकेले भी नहीं। अभी धूप तेज है, शाम को चलेंगे। पर मम्मा, कहा ना नहीं। मन मारकर आयु घर के पीछे यूं ही गया तो उसकी नजर पिछले दरवाजे पर पड़ी। ये तो लॉक नहीं है। चुपचाप चला जाता हूँ, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, मम्मा तो बिजी है। मगर जैसे ही आयु दरवाजा खोलने वापस मुड़ा, पूरी तरह चौंक पड़ा। अरे, ये कब यहाँ आ गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। शैडो आयु को घूरे जा रहा था, जैसे उसे गलती करता हुआ रंगे हाथों पकड़ लिया हो। कहीं इसने मेरी और मम्मा की बातें तो नहीं सुन ली? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सुन भी लेगा तो इसे समझ कहाँ आ जाएगा। दिन बीतने लगे। वहां की जिंदगी शहरों वाली चकाचौंध लिए हुए नहीं थी, लेकिन अजीब सी शांति और सुकून था वहां। अनुष्का और आयु देर तक सितारों भरे आसमान को निहारते। सुबह पंछियों के चहचहाने से उनकी नींद खुलती। बिना टीवी या मोबाइल के भी उनकी जिंदगी बेहद खुशनुमा थी। और अब तो उनके साथ एक सदस्य और जुड़ गया था, शैडो। पता नहीं क्या अजीब था उस कुत्ते में। वो बहुत समझदार था और एक पल को भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता था, चाहे वो घर में हो या खेतों में। और जब कोई अजनबी उनसे मिलने आता, उसके कान खड़े हो जाते। आयु और अनुष्का भी शैडो की इस भावना को समझते थे और ये उनके लिए बहुत मायने रखती थी। एक अकेली औरत और बच्चा, शैडो के साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। चाहे भले ही वो एक जानवर हो, उसके आने से उनकी जिंदगी बहुत हद तक बदल चुकी थी। एक महीना बीत गया। अनुष्का उस फार्म को डेवलप कर रही थी। उसने कुछ तीतर और मुर्गियां भी पाल ली थी। स्थानीय लोगों से उसके संबंध भी काफी अच्छे हो गए थे। शैडो की हालत में अब काफी सुधार आ चुका था। उसका फर भी दिखाई देने लगा था। एक पालतू कुत्ते के लिहाज से वो कुछ ज्यादा ही समझदार और परिपक्व था। अनुष्का को यही लगता था कि ये उसके दिवंगत ससुर की बेहतरीन ट्रेनिंग का नतीजा है जो उन्होंने शैडो को दी थी। अनुष्का को नहीं पता था कि शैडो जो चीज था, उसे किसी ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं थी। एक रात अनुष्का जब सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सोने जा रही थी, तो उसे बाहर से कुछ हलचल सुनाई दी। अरे, ये आवाज, ये तो पॉलिट्री फार्म के पास से आई है। सारा मुर्गी चोर, छोड़ूंगी नहीं आज। कई दिनों से बाड़े में से अनुष्का की मुर्गियां गायब हो रही थी। उसे लगता था ये जरूर गांव के ही किसी चोर का काम था।
फट रहे हैं। ये तो डर रहे हैं, पर किससे? अब ये क्या था? वो दोनों अचानक डरकर भाग कैसे गए? क्या जंगली तेंदुए रॉड से डरते हैं? ऐसा ही होगा। अरे ये यहाँ कब आया? शेडो? और अचानक अनुष्का की समझ में आ गया कि वो दोनों जंगली तेंदुए किसी चीज से डर कर भागे थे। शेडो जो उसके पीछे आ गया था। मगर क्यों? आखिर इस मरियल पालतू कुत्ते से उन दो हट्टे कट्टे तेंदुओं को कैसा डर? मगर अनुष्का नहीं जानती थी कि जंगली जानवरों की आंखें कई बार वो देख लेती हैं जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती, और कुछ वैसा ही देख लिया था उन जंगली तेंदुओं ने शैडो में भी, जो अनुष्का नहीं समझ पा रही थी। उसकी नजर में तो वो उसका प्यारा आज्ञाकारी पालतू कुत्ता ही था। आगे क्या होगा?